कैचिंग जायंट फिश। कई साल पहले एक गांव में गोलू नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। उसके दो बेटे थे, राम और श्याम। राम बहुत भुक्कड़ था, हर दिन चिकन मटन ना हो उसके खाने में तो उसका एक भी निवाला नहीं उतरता था। वहीं गोलू और श्याम प्रतिदिन मछली पकड़ने जाया करते थे, लेकिन राम को वो साथ नहीं ले जाते थे। एक दिन राम, अरे क्या पापा, आप मुझे कभी मछलियाँ पकड़ने क्यों नहीं ले जाते हैं, मैं भी चलता हूँ ना साथ में। जिस पर उसका भाई, नहीं भाई तुम्हें कैसे ले जाएं, हर दिन तुम तो चिकन मटन खाकर बहुत मोटे हो गए हो, नाव में तुम्हें ले जाना मुश्किल है। अरे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं भी आऊंगा तो ज्यादा मछली पकड़ेंगे ना हम सब मिलके, और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। अरे तुम चिकन मटन खा के यहीं सो जाओ, तुम क्या मछली पकड़ोगे। और ये कहकर गोलू और श्याम दोनों वहां से चले गए। वो उस दिन नाव पर बहुत दूर तक गए। क्यों रे श्याम, हम इतनी दूर तक चले आए लेकिन हमें तो कोई बड़ी मछली मिल ही नहीं रही है। हाँ पिताजी, कब तक यूं ही छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते रहेंगे, बड़ी मछली पता नहीं कब और कैसे मिलेगी। और इस तरह हर दिन निराश होकर वो घर लौट आते थे। और उनको यूं दिखी देखकर राम, क्यों पिताजी इतने दुखी क्यों हो, कोई बड़ी मछली हाथ नहीं लगी क्या, चलिए आके चिकन खा लीजिए, माँ ने बहुत अच्छा चिकन बनाया है। अरे नालायक तुम ही खाओ, पहले से ही हम बड़ी मछली पकड़ने के लिए कितना परेशान है, तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी है। अरे पिताजी इतनी छोटी सी बात इतना क्यों सोच रहे, मुझे भी तो एक अवसर दो, देखना मैं बड़ी मछली पकड़ के ले आऊंगा। और अगले दिन सुबह राम एक बड़ी सी मछली पकड़ कर घर ले आया। ये देखकर गोलू और श्याम हैरान रह गए। पिताजी मैं और मेरे दोस्त मिलकर इस बड़ी सी मछली को पकड़ कर लाए हैं। अरे सच बताओ कहां से लाए हो, वरना जो हम सब नहीं कर सकते वो तुम कैसे कर सकते हो। पिताजी पहले मुझे और चिकन करी दोगे तब मैं बताऊंगा। जिस पर उसका भाई श्याम, अरे पिताजी जरूर ये कहीं से मछली उठा के ले आया होगा, उसे खाने के अलावा कुछ और आता भी है क्या। जिस पर उसके पिता, ठीक है बेटा कल तुम हमें बड़ी मछली पकड़वाओ, फिर मैं तुम्हें चिकन फ्राई खिलाऊंगा। और अगले दिन तीनों नाव पर सवार होके निकल गए। राम नाव पर बैठकर चिकन खा रहा था। क्यों रे बड़ी मछली पकड़ाने की सोच कर तू हम लोग को इतनी दूर ले आया और यहाँ बैठ के चिकन खा रहा है। अरे भैया रुको तो, पहले मुझे आराम से खाने तो दो। और ये कहकर थोड़ी देर बाद राम ने पूरी प्लेट चिकन समेत समुन्दर में फेंक दी। यह देखकर उसका बड़ा भाई श्याम, अरे पागल हो गया है क्या, 700 रुपए किलो चिकन मिलता है, तुमने ऐसे चिकन फेंक दिया तो तुझ जैसे भुक्कड़ के लिए हम लोग और पैसा कहाँ से लाएंगे खाने के लिए। जिस पर राम, अरे भैया एक बात तो बताओ, कब तक ये बड़ी मछलियाँ यूँ छोटी छोटी मछलियों को खाती रहेंगी, आज मैंने उनको चिकन डाला है तो उसकी महक से वो दौड़ी चली आएंगी। और बस उसके यूँ कहते ही एक बड़ी सी मछली वहाँ आई। ये देख कर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन तीनों ने मिलकर बड़ी मछली को बहुत मुश्किल से जाल डालकर पकड़ के किनारे खींच लाए। जिस पर उसका भाई, मेरे भाई राम मुझसे गलती हो गई, मैं सोचता था कि तुझ में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, चलो तुम्हें चिकन फ्राई खिलाते हैं। एक गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। वह खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मीरा के दो बच्चे थे, बेटे का नाम साहिल और बेटी का नाम सीमा। एक दिन साहिल अपने पिताजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहा था। तभी मीरा कहती है, हाँ हाँ प्रणाम करो, हमारे लिए बहुत धन संपत्ति छोड़ के गए है ना तुम्हारे पिताजी, मरने के बाद उनकी पूजा कर लो, खुद 30 मारखान बन के दो दो शादियां की, तुम्हारी माँ से तुम्हें पैदा किया और मुझसे इस सीमा को, और हमें इस हाल पर छोड़कर चले गए इस दुनिया से। अपनी बेटी को तो मैं अच्छे से पाल पोस लूं, पर तुम्हें पालने की मुझे क्या पड़ी है आखिर, बस दुनिया वालों के ताने से बचने के लिए मैं अपने पास रखी हूं तुम्हें, वरना कब का घर से भगा देती। ये सब सुन साहिल बहुत दुखी हो गया और उसे देखकर सीमा भी उदास हो गई। एक दिन तीनों के तीनों मेला घूमने गए थे। वहां एक खिलौने की दुकान पे वे रुक गए। सीमा ने कुछ खिलौने पसंद किए और वही साहिल ने भी एक हवाई जहाज और जीप पसंद की। साहिल मीरा से, मम्मी मुझे ये खिलौने खरीद के दे दो ना। मीरा ने वो खिलौने उसके हाथ से छीन लिए। मीरा, क्या तुम्हें मैं खिलौने खरीद कर दूं, तुम्हें खाना खिलाती हूँ वही बड़ी बात नहीं है, स्कूल भी मुफ्त में है इसीलिए पढ़ाती हूँ, खिलौना विलौना कुछ नहीं मिलेगा, चलो घर चलो। साहिल बहुत दुखी हुआ और उसने अगले दिन कुछ टूथपेस्ट के डिब्बों से एक जीप बना ली और उसे खेलने लगा। उसे देखकर सीमा, वाह क्या टूथपेस्ट जीप है, कितनी बढ़िया लग रही है, भैया मुझे भी खेलने को दो ना। जिस पर साहिल, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तो तुम इसे खेल लो, जानती हो मैं टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से और कई सारे खिलौने बना सकता हूँ। फिर साहिल ने उन खाली टूथपेस्ट के डिब्बों से और कई तरीके के खिलौने बनाए, जैसे ट्रक, हवाई जहाज, घोड़े। तभी उस समय उसे एक उपाय सूझा। साहिल खुद ही में सोचता हुआ, माँ बेचारी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, ये टूथपेस्ट खिलौने बच्चे बहुत पसंद करेंगे, इसलिए ऐसे बहुत सारे खिलौने बनाकर अगर हम बेचे तो
थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे जिससे मेरी माँ की मदद हो पाएगी। और ऐसा ही सोचकर साहिल ने सड़क के किनारे और आसपास बहुत सारे टूथपेस्ट के खाली डिब्बे जमा किए और उनसे बहुत तरह के खिलौने बनाकर उन खिलौनों को अपने स्कूल के सामने एक टेबल पर रखकर बेचने लगा। साहिल, आओ दोस्तों आओ, देखो आपने अभी तक प्लास्टिक के खिलौनों से खूब खेला होगा। ये भी जानते होंगे कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, इसलिए अब से आप इन टूथपेस्ट के खाली डिब्बों से बने हुए खिलौनों से खेलिए। आओ भाइयों आओ, और इससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, आओ। यह सुनकर बच्चे वहाँ आए, उन्हें ढेर सारे खिलौनों को खरीदा और साहिल को पैसे दिए। थोड़ी ही देर में टेबल खाली हो चुका था। ये देखकर साहिल सीमा से, ये बात अभी माँ को मत कहना, जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम दोनों माँ को सब बता देंगे। यह सुनकर सीमा मान गई। इसी तरह वो रोज ढेर सारे खिलौने बनाकर स्कूल के बाहर बेचने लगे। एक दिन मीरा चारपाई पर बैठकर रो रही थी। यह देखकर सीमा, क्या हुआ मम्मी? मीरा रोते हुए, सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे, मुझे कमर में खूब दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कमर की हड्डी कमजोर हो चुकी है, अब आप कोई भी मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर पाऊंगी, अब मैं तुम दोनों को कैसे पालूंगी, अब तो हमें भीख मांग कर ही गुजारा करना होगा। तब साहिल ने अपनी माँ को कमाए हुए सारे पैसे लाकर दिखाए। ये देख मीरा हैरान रह गई। तब साहिल और सीमा ने उन्हें सारी बात बताई। साहिल, अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सब मिलकर खूब सारे खिलौने बना सकते हैं, इसमें कोई पैसे की निवेश की जरूरत भी नहीं है और बाजार में बेचने से हमें बहुत सारा मुनाफा होगा माँ। मीरा ये सब सुन के अपनी कानों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो उन दोनों को प्यार करने लगी है। मीरा, मैं सोचती थी कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, पर उन्होंने हमारे लिए तुझ जैसा मैकेनिक हुनर वाला बेटा छोड़ा है जो आज हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है। और ये कहकर मीरा अपने पति की तस्वीर को प्रणाम करती है। इस तरह मीरा और साहिल मिलकर टूथपेस्ट के खिलौने बनाने लगे और कुछ ही समय में अपने कमाए हुए लाभ से उन्होंने एक दुकान ले ली। वहाँ से वो और बड़े व्यापारी बन गए और उन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर आने लग गए। पर्यावरण के हित में काम करने की वजह से खिलौनों को देकर पूरे शहर और कलेक्टर ने उन्हें सम्मान दिया।